भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशाखा स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में एक दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए सतीशत पुण्य का अर्जन। एक दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रुपए, 11 दिवसीय 11000 रुपए, 108 दिवसीय 111000 रुपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माँ हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु। दान देने हेतु संपर्क करें 9376571002 या 9376571003 एवं रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571001। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001011777, IFSC कोड PUNB002120000। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। चातुर्मास 2023 के मुख्य कलश प्राप्त करता श्रीमान सुरेश जैन TMU कुलाधिपति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान, सानवी, चीना जैन, तुषार, कृष, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष रामनगर अही क्षेत्र, श्री विनोद बिहारी धर्मपत्नी मिथिलेश मोडिया, रामपुर, उत्तर प्रदेश। सौरभ जैन, मुदिता जैन, विराज जैन, सचिन जैन, तुलिका जैन, काशवी जैन, दिविशा जैन। पिता दीपक जैन, माता कुमकुम जैन, पुत्र समर्थ जैन, अनमोल जैन, मुरादाबाद। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। हमारे जितने मंडल हैं आज सिर्फ मंडल पार्टियों और किट्टियों तक सीमित रह गए। हम कहते हैं जैन समाज क्या करती है, बोले माता जी हम ये गेम खेलते हैं। अरे खेलने के दिन है, हमें झेलने के और दिन नहीं आने चाहिए। हमें बता देना चाहिए कि हम जैन समाज कायर नहीं है। हम जो संत घर छोड़ देते हैं हम उन संतों के साथ। ध्यान रखना, हम कभी भी कोई साधु बीमार हो जाए बोले घर भेज दो। हमने कि क्यों घर भेज दो, जिसने घर छोड़ दिया, जिसने समाज के उत्थान के लिए अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, अपने आप को पथ प्रदर्शित बनने के लिए एक वो मील के पत्थर हैं जो चल कर दिखाता, हमें रास्ता दिखाते हैं। जिसने अपना घर छोड़ दिया उसके लिए हम कहते हैं घर चले जाओ। अरे घर घर के दरवाजे खुल जाना चाहिए उन संतों के रक्षण के लिए। मेरा तो नियम है कभी कोई संतों को स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, कभी किसी संतों को ऐसी बीमारी हो जाए जो कि लगता है इन्हें उपचार की जरूरत है, मैं कह देती हूँ जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मैं
व्यवस्था करा दूंगा। एक माता जी विद्यावती माता जी थी, उनका पैर टूट गया, लोगों ने कहा घर भेज दो, बाल विधवा थी वो, 11 साल की उम्र में विधवा हो गई थी और 50 साल उन्हें यहाँ आए हो गए थे। अब आप बताइए पीढ़ियां बदल गई, कौन पहचानेगा उसको, और वो भी पैर टूटे में आप घर भेज दोगे। मैंने कहा कि जितनी भी व्यवस्था होगी, उन्हें आहार से जो भी व्यवस्थाएं होती हैं सब व्यवस्थाएं एक महिला रख दी थी और वैसे टहल के लिए दूसरा व्यक्ति रख दिया। और वो लोग कहने लगे माता जी हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, आप कब तक लोगी। मैंने कहा जब तक इनकी अंतिम सांसें हैं तब तक मैं इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ। क्यों? क्योंकि संत की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप भी ध्यान रखना, वो माता जी 3 साल तक जी उसके बाद, और बाद में अच्छी समाधि, क्योंकि मैं लोग मेरे से कहते हैं माता जी अब मंदिर नहीं बनवाती है, आपका कोई नाम नहीं होगा। मैंने कहा मरने के बाद मुझे यहाँ नाम देखने नहीं आना। मैं ये नहीं कहती जो लोग मंदिर बनाते ठीक बात है, लेकिन मेरा मन नहीं करता है, मुझे लगता है मैं ऐसा काम करके जाऊं कि मैं तो क्या कांच का घट है किसी दिन टूट जाए। मेरी जिंदगी तो वैसे भी हार्ट पेशेंट हूँ, पता नहीं किस दिन रुक जाऊंगी, ये तो ब्याज पर चल रही हूँ, वरना तो एक बार तो पल्स भी गिर गए थे, 23 घंटे बेहोश रही, लेकिन कोई ऊपर वाले की शक्ति रही जो मैं फिर ठीक हो गई। वरना डॉक्टरों ने कहा था माता जी 2 महीने से ज्यादा हार्ट काम नहीं करेगा, और आज 9 साल हो गए उस बात को। तो मैं आपसे एक ही बात कहती हूँ कि जब भी ऐसे मौके आते हैं तो मैं यही सोचती हूँ कि ये तो मैं क्या ब्याज में जी रही हूँ, और मेरा संकल्प रहता है कभी भी कोई माता जी महाराज जी त्यागी वृत्ति, कभी लोग दिल्ली में थे तो हम एक दीदी आई, उनको तकलीफ बहुत ज्यादा थी बेचारी की, रीढ़ की हड्डी में उनके गुच्छे बन गए थे तो बैठ नहीं पाती थी, उन्हें शुगर भी थी। वो कहने लगी कि माता जी हमको सुबह थोड़ा जल्दी आप उठ जाया करो। हमने कहा कितने बजे? बोले हमको 8:30 तक चाहिए। हमने कहा दीदी आप आराम से पहले कर लिया करो। लोग हमसे कहने लगे आपने अपने आहार से पहले क्यों कह दिया, चौका झूठा हो जाएगा। मैंने कहा चौका भी कहीं झूठा होता है क्या? अरे भाव झूठे होते हैं, चौका झूठा नहीं होता है, ध्यान रखना। उन्हें तकलीफ यदि वो बाहर थाली लेकिन ले लेंगी तो क्या फर्क पड़ता है, चौका झूठा होता है क्या? हम लकीर के फकीर हैं, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो ले लो। वो अचानक कहने लगी माता जी आप सबको 2-2 साड़ियां देती हैं, हमें आप थोड़ी 4 दे दें। हमने कहा क्यों? बोली हम कहीं जा नहीं पाते हैं, घर में कोई है नहीं। तो मैंने कहा दीदी आप हर साल आपको 6 साड़ी भिजवाया करूंगी, आप जो और भी आपको जरूरत हो वो आप सब बताइए भिजवाएंगे। और आज भी एक ऐसा परिवार महावीर जी में रहता है जिसके पति भी बहुत ज्यादा बीमार थे, 6 साल रहे, अब 2 साल पहले खत्म हो गए। माँ को यानी पति को बहुत ज्यादा बीमारियां थी, हार्ट किडनी सब खराब थी, उन्हें 6 साल रखा। उसके बाद अब जो उनकी पत्नी है उसे फालिस मारा हुआ है, बेटे को कैंसर है। और आप ध्यान रखना जब पति मरा महावीर जी ने हमारे आश्रम भाई, तो उसके घर वालों का ये फोन आया कि हम लोग यदि आए तो इंतजाम क्या रहेगा। आप समझ गए, ये नहीं पूछा कि लकड़ी में आऊंगे तो आ सकते हैं या कुछ, नहीं कोई इंतजाम नहीं पूछा, ये पूछा हमारे ठहरने का इंतजाम क्या रहेगा। मैंने कहलवाया कि कह दो खानदान सहित आओ, तुम्हारा सब इंतजाम रहेगा, क्योंकि परमात्मा से एक ही भावना बाती हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति देना। और आप लोग भी अपने अंदर संकल्प जगाना कि संतों की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि संतों की सेवा कौन करेगा, आपको बोलना है हम करेंगे, हम करेंगे। हम बाद में आपसे नारे लगवाएंगे, लेकिन ध्यान रखना एक माता जी निर्मोही माता जी बहुत पढ़ी हुई थी, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, एमटेक थी, लेकिन वृद्ध अवस्था में उनके पैर खराब हो गए थे, 70 साल की, तो वो चल नहीं पाती थी।
ठंडी के दिन थे, मैं तो बड़े गांव, आपके यहाँ तो सिर्फ विधान चल रहा है, पर ना हम तो 44 दिन का अखंड पाठ। अखंड पाठ का मतलब एक सेकंड को म्यूजिक भी बंद, एक सेकंड को भी नहीं, 6 से 9 जिसकी ड्यूटी है वो 5:45 टीम पहुंच जाएगी। तो मैंने ऐसा पाठ कराया था, मैं उस पाठ के लिए बड़े गांव पहुंची थी। मैं उन माता जी को पहले से नहीं जानती थी, वो दूसरे आश्रम में थी, लेकिन मुझे सुबह सुबह पता चला कि एक माता जी जल गई, मैं गई। मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि समय के अनुसार उनका उपचार भी कराऊं। और अब वो बहुत ज्यादा जल गई थी, करीब 80% जल गई थी। और वो जल इसलिए गई कि कोई महिला झाड़ू पोछा करने आई होगी, सुबह सुबह अंधेरा था, वो मोमबत्ती जला के रख गई। और ठंडी का टाइम था तो माता जी चुल्ली का थी ना, चादर ओढ़ने लगी, वो चादर लग गया, मोमबत्ती में गिर गई। और वो खड़ी तो हो नहीं पाती थी, आवाज लगाई होगी, ठंडी के दिन थे, सब अंदर होंगे। जब वो जलने का धुआं निकला तब लोगों ने दरवाजा खोला, खुला था लेकिन बहुत जल चुकी थी। अब मैं गई, माता जी ने कुछ भी जो कहा कि माता जी आप आती तो सब लोग आ गए, नहीं तो कोई नहीं आया। कि माता जी मैं रोज आऊंगी और आपके पास 2 लेडीज की ड्यूटी लगाऊंगा। 2 महिला मैंने रखी कि ताकि वो 24 घंटे में से जो जाएगी 6-6 घंटे की ड्यूटी दूसरी वहां रहेगी। और मैंने, क्योंकि लोग तो चटाई पर डाल के चले गए, दूसरी चटाई प्लास्टिक की, इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने फिर रुई में कपड़ा लगा के अच्छे से उनका करा, उन्हें अच्छे से रखा। अब ठंडी के दिन थे तो हीटर लगवाया था कि टेम्परेचर ठीक रहे। और उसके बाद 5 दिन मजबूरी थी, नहीं गई। लेकिन आप ध्यान रखना, 5 दिन में लोगों ने देसी मलम लगाते रहे, इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि जो पहले दिन कह रही थी कि देह जली है आत्मा में कुछ नहीं हुआ, जो पहले दिन कह रही थी कि पांडव भी तो जल गए थे, मैं जल गई तो क्या हुआ, वही 5 दिन बाद कह रही थी माता जी कुछ दिला दो, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब नहीं जीना। बहुत तेज तेज बेचारी दुखी रो रही थी। मैंने बोला माता जी आप ठीक हो जाओगी। फिर मैंने बोला कि इनका उपचार तो कराना है। हमारे महाराज जी ने बोला कि अब क्या होती तो समाधि होगी। मैंने कहा महाराज जी ऐसे तड़प के समाधि नहीं होगी, हम तड़प के समाधि नहीं कराने देंगे, क्योंकि यदि तड़प कर आदमी मरेगा तो संकलेश में मरेगा, और संकलेश में मरेगा तो दुर्गति चला जाएगा, वरना देव दुर्गति हो जाएगी। तो लोगों ने हमसे कहा आप क्या करोगे। मैंने कि मैं मेरठ भिजवाऊंगी माता जी को। मैंने 3 दीदी भेजी अलग से, जो उनकी व्यवस्थाएं थी उनके नियम को खंडन नहीं कराया मैंने, जैसे एक बार जल जो लेना था वो दिलाया। और आप 3 दिन बाद तो नहीं, 5 दिन के अंदर उनमें इतना सुधार आ गया कि वो 1.5 महीना और जी। लेकिन जिस समय उपचार की बात मैंने कही तो लोगों ने कहा आप उपचार कराओगी तो नरक जाओगी। मैंने कहा यदि ये धर्म ऐसे नरक भेजता होगा तो फिर मैं नरक भी जाऊंगी, क्योंकि मैं आदमी को तड़पता हुआ नहीं देख सकती हूँ। ध्यान रखना, तो आप लोगों को एक ही बात कहना है कि हम संत होकर जब इतने कटिबद्ध हैं तो आप लोग भी साथ दीजिए, क्योंकि हम कभी भटक जाएंगे तो वो संतों की आत्मा हमें संबोधन के लिए आएगी और हमें मोक्ष तक ले जाएगी। तो ध्यान रखना, जिस दिन आखिरी दिन उनकी समाधि हुई निर्मोही माता जी की, तो मैं भी ठंडी में मुझे निमोनिया हो गया। और जो माता जी हैं वो नेहा दीदी थी, और उसके बाद भी बहुत सारी दीदियाँ आई हुई थी हमारे पास, तो 12-13 दीदियाँ विधान के लिए। तो वो लोग कहने लगे हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने कि मुझे कुछ नहीं होगा, और हो गया तो मेरे पास ग्रस्त लोग बहुत हैं, बहुत सारे लोग आए थे, 40-50 तो स्थाई रहते थे। मैंने कहा मेरे पास सोने के लिए होड़ लगी रहती है, लेकिन उन माता जी के पास जरूर जाना है। और मैंने उनको उल्टी सांस चल रही थी सुबह से, तो मैंने एक ही बात कहा, माता जी वैसे बोल भी रही थी, हम गए तो कहने लगी माता जी आपका उपकार कब चुकाऊंगी, आपने मेरी इतनी व्यवस्था की, आपको मैं कैसे कहूँ कि कौन कौन जन्म में आपके उपकार हैं। मैंने हाथ जोड़ के कहा माता जी अपन एक परिवार के हैं, कोई उपकार की बात नहीं है, आपने मेरे पास मेरे ऊपर इससे बड़ा उपकार किया होगा,
हमने कोई उपकार नहीं किया, ये तो निमित्त हैं हम तो, बाकी करने वाले तो सब परमात्मा है। और मैंने आते ही दीदियों से कहा कि दो दो दीदियां करके आप लोग जाएंगी, लेकिन रात को चार दीदियां वहां रहेंगी, दिन भर सो जिन्हें रात को जगना है, लेकिन रात भर जागृत होकर आप लोगों को जागना है। माता जी जरा भी उन्हें शिथिलता आए तो संबोधन करना है। फिर मैं दिन में गई और माता जी दिन भर मेरा नाम लेती थी। मैंने माता जी से बोला, माता जी मेरा नाम लोगी तो भूत बन जाओगी, और परमात्मा का नाम लोगी तो सच्ची शरण में पहुंच जाओगी, ध्यान रखना। और मैं संबोधन करके आई, माता जी वेदना की चिंता मत करना, ये आखिरी पेपर है, आपने अभी तक आपने लौकिक शिक्षा के पेपर दिए होंगे, ये पारलौकिक शिक्षा का अंतिम पेपर है, माता जी विचलित मत होना, हमने नरकों के दुख सहे, ये दुख कुछ भी नहीं है। और ध्यान रखना, वही हुआ उनके साथ, 3 बजे उन्हें थोड़ी सी घबराहट हुई, और दीदी लोग तो जाग ही रही थी, उन्होंने ही कहा कि मुझे कोई विमान आया है लेने, और मुझे ऐसे लग रहा मैं चली जाऊंगी। और दीदियों को पहले ही कह दिया था कि पाटा पर उन्हें तखत से उठाकर खाली पाटे पर बैठा देना और खूब अच्छे से संबोधन करना। अच्छी बड़ी बड़ी दीदियां थी और 10 मिनट के अंदर उन्होंने अपने आप से सबसे क्षमा भाव मांगी और चली गई। ध्यान रखना, एक संत की समाधि नहीं है, एक अरिहंत की शुरुआत है। कुंद कुंद स्वामी रैण सार में कहते हैं कि यदि तुमने एक ग्रस्त को भी, एक मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दृष्टि बना दिया तो वो कालांतर में देशव्रती हो जाएगा, महाव्रती हो जाएगा, उपशम श्रेणी चढ़ जाएगा, छपक श्रेणी चढ़ जाएगा और साक्षात अरिहंत बन जाएगा। तो मेरा तो एक ही भाव है कि मैं यदि चली जाऊं, कल जाती हूं, आज चली जाऊं, आपने देखा होगा मैं कमरे में भी ज्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ एक क्षण का भरोसा नहीं है, हर क्षण को सार्थक कर डालो, इस काल का कोई भरोसा नहीं है,